वेलकम टू शरद वी मोरे इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन लेक्चर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। यस, इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड द लेसन नंबर 7 लेंसेस। इन दैट वी हैव सीन द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज इन द लेंसेस। फॉर एग्जांपल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। एंड वी हैव सीन द टू टाइप्स ऑफ द लेंसेस, concave lens and convex lens. And convex lens is also called as the converging lens. Why it is called as the converging lens? Because the all coming incident ray are collected at a single point on the principal axis. अब यहाँ देखो, ये first figure जो दिख रहा है हम लोगों को, इस figure में क्या दिखाई रही है? Yes, जो rays है, जो coming rays है, they are shown by the blue line. So these are the incident rays. Now yes, after the refraction, okay, refraction, not reflection, okay, refraction. After the refraction, all rays are meeting at a single point. जितने भी rays है वो एक single point पे क्या है, yes, मिल रही है. तो जिस point पे वो मिलती है, that point is called as the focus. उस point को क्या बोलते हैं हम लोग? Focus. And yes, here all rays are collected at a point. That's why this lens is called as the converging lens. तो ऐसे lens को क्या बोलते हैं? Converging. जो क्या करे? Incoming rays को, incident rays को एक point में collect करे, इसको converging बोलते हैं. तो ये convex lens है, और you can say the double convex lens है. Because इसका क्या है? Yes, outer side क्या है? Puffed off है. Puffed off मतलब फुगा हुआ है. तो ऐसे lens जिसका बीच का part फुगा हुआ रहता, और जो एजेस होते, किनारे होते, किनारा उसका वो क्या होता? थिन. ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस. तो ये कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नेम क्या है? यस, कन्वर्जिंग लेंस. बिकॉज यस, कमिंग रेज को एक पॉइंट में कलेक्ट करता है. नाउ यस सी, दिस इज द कॉनकेव, कॉनकेव लेंस. ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव. नाउ सी हियर, द इनकमिंग रेज इज शोन बाय द ब्लू लाइन्स. जो इनकमिंग रेज है, आने वाली जो रेज है, उसको किससे शो किया? ब्लू लाइन से. एंड yes, after the refraction, now see this is scattered. Okay, ये scattered हो रही है, ये bending नहीं हो रही है. ये क्या हो रही है? ये normal से दूर जा रही है. और ये second जो ray show किया, ये भी क्या हो रही है? दूर जा रही है. तो यहाँ पे actual में, in actual, हकीकत में, जो ये जो incoming rays है, वो क्या होती है? Scattered हो जाती है. ये एक point पे collect होती नहीं है. तो such type of lens called diverging. ये डाइवर्जिंग लेंस है. तो कॉनकेव लेंस इज द डाइवर्जिंग लेंस. बट हम लोग जब इस रे को, जो रे स्कैटर्ड हुई है, उसको बैक साइड एक्सटेंड करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, एंड बिकॉज इट इज नॉट इन एक्चुअल, एक्चुअल नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज, यस, एक्सटेंडेड बैक साइड, एंड इट इज शोन बाय द परफोरेटेड लाइन. और इसको परफोरेटेड लाइन से शो किया, मतलब कि यस, उस लाइन को ब्रेक किया हुआ है. तो देन इट मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. तो उसको हम बोलते हैं उसका मेन फोकस. ओके, नाउ यस, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर. जो इस मिरर का क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी, इस लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है, और डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड मेन फोकस, जो फोकस है जहाँ पे ये पॉइंट सब मिल रहे हैं, उसके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ. तो यहाँ पे फोकल लेंथ कहाँ है? यस, ऑप्टिकल सेंटर. और यहाँ पे जहाँ पे वो फील हो रहा, महसूस हो रहा है कि यहाँ पे वो क्या हो रहा है, यस, रेज मिल रही है, उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ. नाउ यस, मेथड टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ. अब हम लोगों को मेथड्स लर्न करना है, एंड इट इज़ द प्रैक्टिकल पार्ट. ये प्रैक्टिकल पार्ट है टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फाइंड आउट करने का. ये क्या है? यस, मेथड्स. नाउ सी, यस, व्हाट मटेरियल्स वी नीड फॉर फाइंडिंग द फोकल लेंथ. सी नाउ, कॉन्वेक्स लेंस, वी नीड द कॉन्वेक्स लेंस, स्क्रीन, मेटल, यस, मीटर स्केल, स्टैंड फॉर द लेंस, एक्सेट्रा. अब हम लोगों को कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है कि उसका फोकल लेंथ है, उसका फोकल लेंथ फाइंड आउट करना. ओके, तो नाउ सी, फ्राम एस के जलाल, यस, डायरेक्ट मैसेज, जलालुद्दीन, यू विल बीटन बाई मी. ओके,
he always forward the message privately. You are attending the lecture or you are disturbing to the others as well as yourself. Okay, yes, what the method involved. Now yes, keeping the screen fixed. अब जो screen है, screen ये किसका है? ये screen plastic का screen रहेगा या तो क्या है, ये wooden screen रहेगा, तो इसको हम उसकी place को fix करते हैं. Obtain a clear image of the distant object like tree or building with the help of the lens on the screen. अब क्या करना हम लोगों को, ये center में लेंस होल्डर लेना है. लेंस होल्डर में लेंस को अरेंज करना है. ओके, देखो यहाँ डायग्राम. यस, क्या है ये? यस लेंस होल्डर है. तो लेंस होल्डर में क्या करते हैं हम लोग, इस लेंस को फिट कर देते हैं. क्या कर देते हैं? फिट कर देते हैं. यहाँ पे सपोज क्या है, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, क्या है? बल्ब है. दूर एक क्या है, ये क्या जल रहा है? बल्ब या बर्निंग कैंडल है. और यहाँ पे लेंस है. और यहाँ पे क्या है, ये स्क्रीन है. क्या है ये? स्क्रीन. स्क्रीन. तो नाउ सी यस हियर द स्क्रीन इज फिक्स. नाउ यस रिमूव दिस. ये जो क्या है, यस लेंस होल्डर के साथ में लेंस को क्या करना, रिमूव करना है. यस क्या करना है, इसको हियर एंड देयर एडजस्ट करना है. और यहाँ पे क्या लिया हम लोगों ने, बल्ब. और क्या लिया? कैंडल. तो व्हेन द शार्प इमेज ऑफ द दैट बर्निंग कैंडल विल बी ऑब्जर्व ऑन दिस स्क्रीन. ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर, यहाँ सपोज मैंने क्या ले लिया अभी, यहाँ कैंडल ले लिया. ओके, बर्निंग कैंडल है. कैसी कैंडल है? बर्निंग कैंडल. यहाँ पे कैंडल है और वो क्या हो रही है? बर्न हो रही है, जल रही है. ठीक है, तो जब बर्निंग कैंडल को हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ी डिस्टेंस पे रखे और ऑब्जर्व करेंगे, देन वी विल फाइंड द बर्निंग कैंडल इमेज एंड इट विल बी इन्वर्टेड. तो उसका इन्वर्टेड इमेज होगा इस तरह से, जो जलने वाला पार्ट है वो नीचे दिखाई देगा. ओके, तो हम लोगों को इसको क्या करना है, ये एडजस्ट करना है. किसको? ये जो लेंस होल्डर के साथ लेंस को. तो जब हम लोगों को इस कैंडल का शार्प इमेज वो स्क्रीन पे दिखाई देगा, देन वी हैव टू स्टॉप इट. तो हम लोगों को वहाँ पे स्टॉप कर देना है. एंड देन वी हैव टू यूज़ द मीटर स्केल. और मीटर स्केल यूज़ करके जो ये डिस्टेंस है स्क्रीन के बीच का सेंट्रल पार्ट और जो क्या है इस लेंस होल्डर का सेंट्रल पार्ट, इस लेंथ को मेजर कर लेंगे. तो दिस मेजर विल बी फोकल लेंथ. यही क्या होगा उसका? फोकल लेंथ होगा. तो इन दिस वे वी मेजर द फोकल लेंथ. ओके, यस दिस इज द प्रैक्टिकल पार्ट. तो दिस इज एक्सप्लेन इन दिस यस मेथड. ट्राई दिस में यही क्या किया, एक्सप्लेन किया. ओके, नाउ लेट्स रीड इट. अब इसको रीड करना है हम लोगों को. तो क्या करना है, कीपिंग द स्क्रीन फिक्स्ड ऑब्टेन ए क्लियर इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक ट्री और ए बिल्डिंग विद द हेल्प ऑफ द लेंस ऑन द स्क्रीन. मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड लेंस विद द हेल्प ऑफ द मीटर स्केल. नाउ टर्न द अदर साइड ऑफ द लेंस टूवर्ड द स्क्रीन. अगेन ऑब्टेन ए क्लियर इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन बाई मूविंग द लेंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड. तो इसमें क्या करना पड़ता है हम लोगों को, अगर हम लोगों को शार्प इमेज नहीं मिल रही है तो हम लोगों को उस लेंस को फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करना रहता है, यस मूव करना रहता है. और जब हम लोगों को क्या है, एकदम क्लियर इमेज दिखाई देती है, जब क्लियर इमेज दिखाई देती है उस टाइम हम लोगों को वहाँ पे स्टॉप कर देना रहता है. नाउ टर्न, और फिर क्या करना है हम लोगों को, जो लेंस का फेस है उसको टर्न करना है. अगेन वैसे ही करना है और हम लोगों को डिस्टेंस मेजर करना है. और अगर यस इन बोथ केसेस इफ द focal length is same then yes that is the uniform convex length. तो वो क्या होगा, uniform convex lens होगा जिसकी क्या है, yes focal length same होगी, otherwise not. अगर ऐसा differences आ रहा है तो वो दोनों का क्या होगा, focal length different होगा. Measure the distance between the screen and lens again. What is this distance between the lens and screen called? So this is called as the focal length. The discuss the relationship between the distance and the radius of curvature of the lens with your teacher.
The image of a distant object is obtained close to the focus of the lens. Hence, above distance is focal length of the lens. What will happen if you use concave lens in this experiment? Concave lens अगर क्या करेंगे इस experiment में use करेंगे तो क्या होगा? Now ray diagram for refractions. क्या आप लोगों को क्या इस different different position पे object रख के क्या draw करना है? Ray diagrams. तो now yes before that we have to learn the three laws को हम लोगों को three rules को क्या है इस use करना है yes learn करना है then only we can draw the yes ray diagram for refraction. You have learnt the rules for the drawing ray diagram for the spherical mirrors. आपने already learn किया yes in last year in 9th standard how to draw the ray diagram for image obtained by the mirror. Mirror किसे मिलने वाला image. Now yes here you have to learn how to draw the diagram yes ray diagram for the images obtained from the lens. Similarly, one can obtain the image formed by the lenses with the help of the ray diagram. One can obtain position, size and nature of images with the help of these diagrams. Image formed by the convex lenses. Image formed by the convex lenses. One can use following three rules to draw ray diagram of images obtained by the convex lenses. Now see the first one. These blue lines shows the incident rays and these red line shows the refracted ray. Now see the F1 and F2 line joining the point F1 and F2 called the principal axis and the point O represent the optical center. Now see the incident ray coming towards the lens is parallel to the principal axis. अब ये जो रे ब्लू कलर की आ रही है वो क्या है जो रेड यस ब्लू कलर की जो क्या है यस रे है वो रे जो किसके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के. ओके आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द F2 से पास हो रही है. मीन्स व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल्स ऑन द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस. तो क्या होती है जो भी इंसिडेंट रे पैरेलल लाइन के इंसिडेंट होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या है ये फोकस से पास होती है. नाउ सी केस नंबर टू सेकंड यस वन इंसिडेंट रे नाउ यस पासिंग फ्रॉम द F1 फोकस वन से पास हो रही है. तो व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम द F1 फोकस F1 आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है वो पैरेलल हो जाता है ये से प्रिंसिपल एक्सिस के. तो दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द फर्स्ट फिगर कि ये क्या है ये इंसिडेंट रे इज पैरेलल देन इट पासिस थ्रू द फोकस एंड हियर एंड व्हेन द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस देन आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ यस रूल नंबर थ्री व्हेन द इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर it do not deviate, it do not change its direction. जब भी incident ray optical center से पास होती है तो उसका इस direction change होता नहीं है. तो ये तीनों के तीनों rules आपको क्या है ये ध्यान में रखना है. Now yes materials यहाँ पे देखो ये क्या करना है ये arrangement for the experiment हम लोगों को यहाँ पे समझना है इस experiment को. Now yes let's see the materials required for it. Convex lens, तो here convex lens is taken in the middle. Screen, this is the screen on which the image will obtain and this experiment I already explained to you yes before explaining the three rules. Now you see the meter scale, this is the meter scale to measure the distance between the optical center and the that convex lens stand for the lens. Method 1 method, so draw a straight line along the center of the long table. अब हम लोगों को क्या करना है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है ये अलोंग द सेंटर ऑफ द टेबल टेबल के सेंटर में. प्लेस द लेंस ऑन द स्टैंड. अब प्लेस द लेंस ऑन स्टैंड लेंस को किस पे रखना है स्टैंड पे एट द सेंट्रल पॉइंट ओ ऑफ द लाइन जो इसका सेंट्रल पॉइंट ओ है उसके उसी पे इसको रखना है. प्लेस ए स्क्रीन ऑन वन साइड. अब एक साइड में उस लेंस के स्क्रीन रखना है और वन साइड में ऑब्जेक्ट. हियर ऑब्जेक्ट इज द बर्निंग कैंडल.
Place the screen on one side of the lens, move it along the line so as to get a clear image of the distant object. Now yes, candle. कैंडल की क्लियर इमेज क्या है, जब तक हम लोगों को मिलती नहीं है तब तक क्या करना, कॉन्वेक्स लेंस को फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है. एंड वंस वी गॉट द क्लियर इमेज वी हैव टू स्टॉप मूविंग द कॉन्वेक्स लेंस. द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मार्क इट पोजिशन एफ वन, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एफ वन. Mark a point of the distance to Fn from the O, the same side of F1, and mark it as a to F1. अब क्या करना है हम लोगों को, O और F1 के बीच का जो distance है वो, और उसके बाद F1 और to F1 के बीच का जो distance है, दोनों को क्या रखना है, same. Similarly on the other side, yes, O F2 के बीच की distance same होगी F2 के बीच के डिस्टेंस. नाउ रिपीट द एक्शन 3 एंड 4 फॉर द अदर साइड ऑफ द लेंस एंड मार्क एज F2 and F2 ऑन द स्ट्रेट लाइन. नाउ प्लेस द बर्निंग कैंडल ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस फार बियॉन्ड टू F1. अब हम लोगों को क्या करना है, इस कैंडल को, बर्निंग कैंडल को टू F1 से भी दूरी पे रखना है. प्लेस द स्क्रीन ऑन opposite side of the lens and obtain the clear image of the candle by moving it forward or backward along the line. Note the position, size and nature of the image. Repeat action 6 by placing the candle between the two F1 and F1 to F1 at two F1 between the two F1 and F1 at the F1 and between the F1 and O. Note your observation. What are the real and virtual images? How will you find out whether an image is real or virtual? Can a virtual image be obtained on the screen? Now yes, what are the real and virtual image? So those images which are obtained on the screen called a real image, and those images which are not obtained on the a screen called virtual image. तो virtual image cannot be obtained on the screen. Virtual image को screen पे नहीं ले सकते. Now see figure 7.7. Real image formed by the convex lens. Convex lens से बनने वाला क्या है, yes, real image. As shown in figure 7.7, An object AB is placed beyond the point to F1, to F1 के beyond, मतलब उससे भी दूर रखा है. The incident ray BC starting from B and going parallel to the principal axis. Now yes, वहाँ से जो आने वाली ray है BC, वो strike कर रही है किसको, convex lens को. And after the refraction, it passes through the F2. After refraction कहाँ से पास हो रही है, F2 से पास हो रही है. The ray BO. Now yes, ray BO. जो BO है, yes, this is the ray which is passing through the optical center. ये optical center से पास हो रही है. So that's why this will not deviate. This will not change its direction. It will go on the other side without deviating in a straight line. तो straight line में जा रही. Now the point of intersection, the point of intersection of the CT and the OB, ray OB, okay, at that place the image will form. तो उसी place पे image form होगी and image will be inverted. जो AB है, तो B किधर है, top पे, और A क्या है, bottom में. तो हम लोगों को वो जो इमेज जहाँ फॉर्म होगी क्या होगा, ये इमेज इन्वर्टेड दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी. जो ए होगा वो ए वाला पोजीशन ए डैश और बी डैश के फॉर्म में, नीचे वाले मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ऊपर के साइड में नहीं, नीचे के साइड में हम लोगों को दिखाई देगा. As A is situated on the principal axis, its image will be located along the principal axis at A, vertically above
Thus, A dash B dash will be the image of AB formed by the lens. So, we learn that if an object is placed between the two F1, the image is formed between the F2 and 2F2. It is real and inverted, and its size is smaller than that of object. It means when the object is placed beyond the 2F1, the image formed in between the F2 and 2F2. And the nature of image will be inverted, and it will be smaller than the real object. Real object ki kya hoga? Smaller hoga. Now observe figure 7.8. Determine the position, size and nature of the image formed for the different positions of the object with the help of ray diagram. Check your conclusion and observation in the previous activity with those given in table. Now see which activity you have to perform, and you have to note in the table. Now here first we have to place the object at infinity. अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखना है, मतलब कि क्या है, इस वेरी लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, लेंस से क्या है, बहुत दूर पे रखा उस ऑब्जेक्ट को. नाउ यस पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट द फोकस, तो कहाँ बनेगी, फोकस F2 पे, एंड फोकस F2 इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस. F2 कहाँ पे है, लेंस के राइट हैंड साइड में है. तो व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी the image will be at F2. Size of image. Image size is the points image, means it is very small. Nature of image, real and inverted, means it is real and inverted. Inverted means what? Ulta. To jo top wala position rahega wo kya ho jayega? Down. Aur down wala kya hoga? Up. Now the object beyond the 2F1. अब क्या है, बियॉन्ड द 2F1, दैट इज शोन इन द figure 7.7. figure 7.7 में दिया है बियॉन्ड द 2F1 ऑब्जेक्ट रखा, तो इमेज विल बी बिटवीन द F2 एंड 2F2 के बिटवीन होगा. एंड द साइज ऑफ इमेज, इमेज साइज विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट साइज, उसके साइज से छोटी होगी. एंड इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. नाउ व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट द 2F1, अब हम लोग इसको 2F1 पे रख रहे हैं, तो द इमेज विल बी फॉर्म एट द 2F2. यहाँ पे 2F1 पे रख रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, 2F2 पे. नाउ इमेज की साइज ऑफ इमेज, द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसकी जो साइज होगी ऑब्जेक्ट के ही साइज की होगी, मतलब इमेज साइज एज वेल एज ऑब्जेक्ट साइज विल बी सेम. नाउ नेचर ऑफ इमेज, it is real and inverted. Real or inverted image will form. Now we have to shift the object between the F1 and 2F1. अब जो focus F1 और 2F1 है उसके between हम लोगों को इसको रखना है. तो now position of image. Image की position beyond the 2F1. 2F1 की और आगे जाकर बनेगी, and size of image will be larger as compared to the object. तो हियर नाउ द इमेज इज मैग्नीफाइड इमेज बना, मतलब जो भी उसका एक्चुअल साइज है उससे एनलार्ज, बड़ा साइज बन रहा है. तो एंड नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड होगा. नाउ व्हेन वी प्लेस इट एट द F1, अब उसको अगर हमने किस पे रखा, F1, फोकस F1 पे रखा, तो नाउ इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी. अब जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो ये इमेज कहाँ पे बनता है, F2 पे बनता है. अब यहाँ पे अगर हमने F1 पे रखा ऑब्जेक्ट को, तो वो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे. एंड साइज विल बी वेरी लार्ज, साइज बहुत लार्ज होगी. एंड नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड. नाउ बियॉन्ड द F1 एंड O, मीन्स ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में रखेंगे, तो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो बनेगा वो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड इट इज वेरी लार्ज, एंड हियर द इट बिकम वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा. इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्केव लेंस, तो हियर व्हाट वी हैव सीन, द इमेजेस ऑब्टेन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस वेरी इन देयर साइज अकॉर्डिंग टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. मीन्स अगर कॉन्वेक्स मिरर से हम इमेज ले रहे हैं, तो जैसे जैसे पोजीशन अगर हम चेंज करते हैं उस ऑब्जेक्ट का,
वैसे वैसे ही क्या होता है, ये जो इमेज की साइज है वो कम छोटी बड़ी बनती है, और उसका नेचर भी क्या होता है चेंज होता है, रियल और इन्वर्टेड एज वेल एज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी क्या है ये सिर्फ मिलता है यहाँ पे। तो हम लोगों को यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के इमेजेस ऑब्टेन होते हैं। नाउ इमेज फॉर्म द कॉनकेव लेंस, अगर कॉनकेव लेंस से हम अगर क्या करते हैं ये इमेज ऑब्टेन करते हैं, तो हम लोगों को ओनली वन टाइप का ही, ओनली एंड ओनली वन टाइप का ही इमेज फॉर्म होगा। लेट्स रीड इट, व्हेन वी कैन ऑब्टेन इमेज ऑब्टेन बाय द कॉनकेव लेंस यूजिंग द फॉलोइंग रूल्स। व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्रैक्टेड रे व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड पासेस थ्रू द फोकस। अब इसके लिए रूल्स क्या है, जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करते हैं, तो रिफ्रैक्टेड रे को जब हम बैक साइड एक्सटेंड करते पीछे की तरफ उसको परफोरेटेड लाइन से शो करते, तो वो क्या है ये फोकस पे, फोकस से पास होता है, किससे पास होता है फोकस से। व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस, जब इंसिडेंट रे को फोकस से पास करते, तो रिफ्रैक्टेड रे इज द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इंसिडेंट रे क्या हो जाता है ये पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एज शोन इन फिगर 7.9, ऑब्जर्व द फिगर 7.9। एसी नाउ यस द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। नाउ यस देयर ए डी, ए डी इज द स्कैटर्ड एक्चुअल स्कैटर्ड लाइन, एंड व्हेन ए डी इज एक्सटेंडेड बैक साइड, ओके, ए डी को बैक साइड में बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, उसको बढ़ाया, तो परफोरेटेड लाइन से शो किया है, ओके, तो इट पासिस थ्रू द फोकस एफ वन, तो ये फोकस एफ वन से पास होता है। नाउ यस जो ऑप्टिकल सेंटर है वो, और यस पी से पास होने वाली लाइन क्या है, यस अपने सेम उसी पाथ में चले जाएगी। नाउ अब ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो हम लोगों को इमेज की हाइट मिलेगी, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्सिस पे, वहीं पे क्या मिलेगा हम लोगों को इमेज। अब यहाँ देखो ये पी डैश क्यू डैश क्या है, इसकी इमेज है। अब इमेज की साइज क्या है, देखो ऑब्जेक्ट की साइज से स्मॉलर है, ये पी क्यू है, पी क्यू ऑब्जेक्ट साइज है, और ये पी डैश और क्यू डैश क्या है इमेज की साइज है। नाउ यस अब देखो यहाँ पे ये पी पॉइंट ऊपर है, क्यू पॉइंट नीचे है, तो इसमें भी पी पॉइंट ऊपर है, क्यू पॉइंट नीचे है, इट मीन्स द इमेज फॉर्म इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है सीधा, तो इरेक्ट क्या है इन्वर्टेड का अपोजिट है, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है उल्टा, तो ये क्या है यहाँ पे सेम सेम जैसा पी क्यू है सेम उसी तरीके से क्या मिलेगा पी डैश क्यू डैश, तो ये इमेज इज इरेक्ट हियर, तो इमेज यहाँ पे इरेक्ट है, ओके। तो क्या दिखा हम लोगों ने कि द इमेज साइज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट साइज, इमेज की जो साइज है ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है, एंड द इमेज नेचर, नेचर क्या होगा यस यस इट इज वर्चुअल इमेज, बिकॉज यस द रे ऑफ लाइट आर नॉट एक्चुअली मीटिंग हियर, यहाँ पे एक्चुअल में मीट नहीं हो रहे, यस वी ऑब्टेन दिस बाय एक्सटेंडिंग द रे इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये हम लोग रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करने की वजह से मिल रहा, दैट्स वाई इट इज़ अ वर्चुअल, बिकॉज इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द यस स्क्रीन, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे इसकी इमेज नहीं आती है, और ये सीधा है, तो दैट्स वाई इट इज़ इरेक्ट, ओके अंडरस्टूड। तो हियर वी विल गेट ओनली वन टाइप ऑफ द इमेज, किस टाइप का इमेज मिलेगा, ओनली वन टाइप का, यस इमेज साइज इज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड थिंग इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तो यस कीप इन माइंड, ओके। दिस इज यस आस्क्ड इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। तो एज शोन इन फिगर 7.9 ऑब्जेक्ट पी क्यू इज प्लेस बिटवीन एफ वन एंड टू एफ एंड टू एफ टू इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव लेंस, द इंसिडेंट रे पी ए, इंसिडेंट रे पी ए स्टार्टिंग फ्रॉम पी एंड गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गोज along AD after the refraction, if AD is extended backward, it appeared to come from the F1. The incident ray PO starting from the P and passing through the O goes along the same direction. After refraction, PO intersect the extended ray AF1 at the P dash. That is, P dash is the image of P. As the point Q is on the principal axis,
The image is formed along the axis at point Q dash directly below the P dash. Thus, P dash Q dash is the image of PQ. The image formed by concave lens is always virtual, erect, and smaller than object. Do you remember all these three? Yes, things that yes, the image obtained by the concave lens is always virtual, hamesha virtual hoga, erect aur hamesha seedha hoga, and smaller than object aur smaller hoga object se hamesha. Okay, now yes, it is summarized in the table. Isi things ko kya kiya yahan pe summarize kiya hai as the object's position and the image form the places were mentioned or summarized in the is about the convex lens. So similarly यहाँ पे भी इसका summarization है. When the object at infinity, position of image on the first focus f1, size will be point image and virtual and erect. Anywhere between optical center and the is and infinity, between the optical center and focus f1 के बीच ही बनेगा, and it will be smaller and virtual and erect. Okay student, if you have any doubt ask to me, then I will end the meeting. And yes, other standard student, yes, 8th standard, 7th standard, yes, attending, yes, 21, 22 student are attending the lecture. Only 10th standard student, yes, attending, yes, 5, 6 student attending the lectures. Okay, and yes, 7th standard, 8th standard, yes, about 21, 22, 25 student are attending lecture. Means, yes, 10th standard student are not, yes, very, yes, not worried about their study. Okay, now yes, unmute yourself and ask the question if you have any doubts. Yes, is anybody having any doubts? Okay, now yes, I am ending the